कवि उसको हम कहते थे जिसके जीवन में अनायास बिना किसी साधना के पता नहीं क्यों एक रहस्य की भांति कभी कभी किसी रंध्र से कोई किरण प्रवेश कर जाती और वो किरण को बांध लेता है शब्दों में, किरण को धुन दे देता है, किरण को गीत बना लेता है। कोलरिज मरा, अंग्रेज महाकवि, तो कहते 40,000 कविताएं उसके घर में अधूरी मिली, सारा घर अधूरी कविताओं से भरा था। और उसके मित्र जानते थे और वो मित्र उससे कहते थे कि इनको पूरा क्यों नहीं करते, लेकिन कोलरिज ईमानदार कवि था, वो कहता मैं कैसे पूरा करूं। कोई कविता उतरती है, कुछ पंक्तियां उतरती हैं फिर नहीं उतरती आगे, तो मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ूंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ूंगा। कविता जब उतरेगी उतरेगी, जब आएगी तब आएगी, जितनी आ गई उतना मैंने लिख दी, अब प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि जब भी मैंने जोड़ा है तभी मैंने पाया कि कविता खो जाती। वो जो रहस्य होता है, रस होता है, सूख जाता है। मेरे द्वारा जोड़ा गया अलग दिखाई पड़ता है। ऐसा रविन्द्रनाथ के जीवन में हुआ, जब उन्होंने गीतांजलि अंग्रेजी में अनुवादित की तो उन्हें थोड़ा सा संदेह था कि पता नहीं अंग्रेजी में बात पहुंच पाई या नहीं जो बंगला में थी। तो सीएफ एंड्रूस को अपनी अंग्रेजी अनुवाद की गीतांजलि दिखाई, एंड्रूस ने कहा कि और तो सब ठीक है, चार जगह भाषा की भूलें, ये सुधार लें। तो जो एंड्रूस ने सुझाया वो रविन्द्रनाथ ने बदल दिया। स्वभावतः वो उनकी मातृभाषा नहीं थी अंग्रेजी, और एंड्रूस विद्वान पुरुष थे,
भाषा पर उनका अधिकार था, जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, रविन्द्रनाथ कोई बात जची। फिर जब उन्होंने यूरोप में पहली दफा कवियों की एक छोटी सी गोष्ठी में जाके गीतांजलि का अनुवाद सुनाया तो वो बड़े हैरान हुए, भरोसा ना आया। एक युवक कवि खड़ा हुआ, ईट्स उसका नाम था, और उसने कहा कि कविता बड़ी मधुर है, अद्भुत है, नोबल पुरस्कार इस पर मिलेगा, आज नहीं कल। ईट्स ने इसको मिलने के पहले कहा, कह दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि इस सदी में अंग्रेजी में कोई इतना अद्भुत काव्य नहीं लिखा गया है। लेकिन चार जगह भूल है। रविन्द्रनाथ का कौन सी चार जगह, सुधार लेता हूं। हैरान हुए वो, तो वही चार जगह थी जहां सीएफ एंड्रयूज ने सुधार करवाया था। रविन्द्रनाथ ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, ये तो वे जगह हैं जहां मैंने भूल की थी और सीएफ एंड्रयूज ने सुधार करवा दिया है। ईट्स ने पूछा कि आप बताइए आपने क्या शब्द पहले रखे थे। रविन्द्रनाथ ने अपने पुराने शब्द बताए, उनको ही काट के तो उन्होंने नए शब्द लिख दिए थे। ईट्स ने कहा कि आपके शब्द भाषा की दृष्टि से गलत है लेकिन काव्य की दृष्टि से सही है, वो चलेंगे। एंड्रूस के शब्द भाषा की दृष्टि से सही है लेकिन काव्य की दृष्टि से गलत है, वो नहीं चलेंगे, वो पत्थर की तरह पड़े, उनमें आपकी जो सतत धारा है काव्य की विच्छिन्न हो गई, टूट गई, वो दीवाल की तरह अड़ गए। एंड्रूज ने भाषा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक कहा है लेकिन कविता भाषा थोड़ी है, भाषा से कुछ ऊपर है। जो भाषा में आ जाता है उसे तो हम गद्य में लिख देते हैं, जो भाषा में नहीं आता उसे पद्य में लिखते हैं। पद्य का अर्थ ही यही है कि गद्य में नहीं बंधता, गाना होगा, गुनगुनाना होगा, नृत्य देना होगा, तर्क के जाल को थोड़ा ढीला करना होगा, व्याकरण की उतनी चुस्ती नहीं रखनी होगी जितनी गद्य पर होती। इसलिए कवि को स्वतंत्रता होती थोड़ी, शब्दों को तोड़ने मरोड़ने की, शब्दों को नए अर्थ, नई भाव भंगिमाएं देने की, नई मुद्राएं देने की, शब्दों को नया रस देने की। ईट्स ने कहा, आप अपने शब्द वापस रखें, आपके शब्द प्यारे, वो उतरे हैं, इसलिए हमने वेदों को अपौरुषेय कहा है। अपौरुषेय का अर्थ है हमने लिखा जरूर मगर हम सिर्फ लिखने वाले थे, हम रचयिता न थे, लेखक थे। रचयिता तो परमात्मा था, वह बोला हमने लिखा, वो गुनगुनाया हमने भाषा में उतारा, हम तो केवल माध्यम थे, हम सृष्टा न थे। ये वेदों के अपौरुषेय होने की बात प्रीति कर रहे। सारा काव्य अपौरुषेय होता है, आती है बात किसी अज्ञात लोक से, तुम्हारे प्राणों को थरथरा जाती, वही थरथराहट जब तुम देने में समर्थ हो जाते हो भाषा को तो कविता का जन्म होता है। लेकिन काव्य आकस्मिक है, तुम उसके मालिक नहीं हो। रविन्द्रनाथ महीनों कविता नहीं लिखते थे और कभी ऐसा होता था कि फिर दिनों लिखते रहते थे तो द्वार दरवाजे बंद कर देते थे, तीन तीन दिन तक खाना नहीं खाते थे, स्नान नहीं करते थे, क्योंकि कहीं धारा ना टूट जाए। तो घर के लोगों को सूचना थी कि जब वो द्वार दरवाजे बंद कर लें तो कोई दस्तक भी ना दे कि धारा ना टूट जाए, क्योंकि नाजुक मामला है, बड़े सूक्ष्म तंतुओं में उतरती है कविता, जैसे मकड़ी का जाला, जरा से धक्के में टूट जा सकता है, फिर लाख बनाओ ना बनेगा। कौन आदमी है जो मकड़ी का जाला बनाते, कितना ही कुशल हो,
तो रविन्द्रनाथ भूखे प्यासे बिना नहाए धोए सोते नहीं थे इस डर से कि पता नहीं जो धारा बह रही वो कहीं रात खो ना जाए, कहीं सपनों के कारण बाधा ना आ जाए। लिखते ही रहते थे, लिखते ही जाते थे पागल की तरह। हाँ, जब धारा अपने आप रुक जाती थी तब वो रुकते थे, फिर लौट के देखते थे कि क्या उतरा, फिर प्रतिज्ञा करते थे कि ये उतरा, ऐसा उतरा। सच्चा कवि सुधार नहीं करता, क्योंकि सुधार करने वाले तुम कौन? तुमसे जो आया ही नहीं तुम उसमें कैसे सुधार करोगे? वो तो अपने हाथ परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है, वो जो चाहे लिखवा ले, वो जो चाहे बुला ले।